हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं अनिल मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आपके लिए। और आज से पिछले सेशन से हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले टॉपिक में या पॉलिटी के पहले सेशन में संवैधानिक जो हमारे प्रक्रियाएं रही हैं, जो संविधान के विकास की प्रक्रियाएं रही हैं, जिसको भारत का संवैधानिक इतिहास या भारत का संवैधानिक विकास कहते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया है। और आज से हम विशेष संविधान सभा एवं संविधान निर्माण के बारे में पार्ट टू पर डिस्कस करने वाले हैं। किस पर? आज के आपके सेगमेंट का जो होगा वह होगा पार्ट वन, और आपके इस पॉलिटी का पहला सेगमेंट आपके बीच में प्रोवाइड कराया जा चुका है। प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे पॉलिटी से संबंधित पूरे प्रश्नों को चैप्टर वाइज, और आपको बता दूं कि संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया में 2 पार्ट आपके बीच में है, यानी 100 प्रश्नों का क्यूज आपके लिए होगा साथियों। और सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, अपनी संख्या में इंक्रीज करेंगे। और एक चीज, कुछ लोगों का कहना था कमेंट्स में, सर आपका PDF नहीं मिलता है, तो मेरे पढ़ाए हुए का पोर्शन का सारा PDF प्रोवाइड है साथियों। जैसे आप लिंक को क्लिक करते होंगे तो आप देखते होंगे, आप कहते हैं सर साइंस खुल जा रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो वहां पर आपको सेगमेंट मिल जाएगा पॉलिटी का लिखा हुआ या स्टैटिस्टिक्स GK का। उस पर क्लिक करेंगे तो जो नया होगा वह नीचे जुड़ा होगा, पुरानी चीजें ऊपर होंगी, नया चीज नीचे से जुड़कर आ रहा होगा। थोड़ा सा आप देखिएगा, आपको चीजें मिल जाएंगी, सारे टॉपिक का PDF वहां पे लगा के रखा गया है। तो ठीक है साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया की बात चल रही है, और आपके डेमो के तौर पर 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे होंगे कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो आपको पता है संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। और संविधान, भारत के संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो आपको पता होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित की गई थी। चलिए प्रश्नों की श्रृंखलाएं आपके बीच में डालते हैं। अगर अभी तक स्टडी 91 के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर के स्टडी 91 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, बहुत ही शानदार फीचर्स के साथ आपके बीच में प्रोवाइड कराया गया है। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया है किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? प्लीज गिव मी आंसर फास्ट। बहुत शानदार प्रश्नों का आगाज हो चुका है आपके बीच में, तो आप यह बताएंगे कि भारतीय संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया है। चलिए देखिए, आपने देखा होगा, प्रस्तावना पढ़ी होगी, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये बिहार PCS में भी आया हुआ प्रश्न है कि संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया था या भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा। चलिए आज के सेगमेंट का दूसरा प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए। ऐसे मंत्रिमंडलीय जो आपके संविधान की समिति थी उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो जल्दी से आप इसका जवाब देंगे कि संविधान के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फोन नंबर आंसर सही है, ये सरदार पटेल ना, यह प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या प्रारूपी समिति के क्या थे? सदस्य थे। प्रारूपी समिति में कुल कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित 7 लोग शामिल थे, यानी भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 लोग शामिल थे। बहुत अच्छा सेगमेंट है साथियों, आपके लिए लाभदायक इसलिए है क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं और पॉलिटी से प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमने डिसाइड किया कि पॉलिटी से जो प्रश्न आपके बीच में मैं डालूंगा वह चैप्टर वाइज होगा, और इससे आपको चैप्टर तैयार करने में भी आसानी रहेगी। और आपको पहले से ही पता होता है कि आज हम कौन सा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। आपको बता दूं, कल भी जब मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा तब भी वहां हम आपके बीच में संविधान सभा से संबंधित दूसरे पार्ट को लेकर के आएंगे, क्योंकि 100 प्रश्नों का संकलन संविधान सभा में हमने किया है। चलिए तीसरा प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सचिदानंद सिन्हा,
भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जेबी कृपलानी। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चलकर संविधान के प्रस्तावना में तब्दील होता है, उद्देशिका कहा जाता है इसको। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का मूल दर्शन है। क्या है? मूल दर्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, या सहमति और समायोजना के आधार पर? प्रश्न समझिएगा कि जो संविधान बन रहा था उसमें अगर किसी भी बात पर विवाद पैदा होता था, यानी बातें बात बहस होती थी किसी भी निर्णय को लेकर, तो वह निर्णय किस आधार पर लिया जाता था? तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके जवाब दीजिए। कोई फैक्ट नहीं है इसका, सहमति और समायोजन के हिसाब से। क्या? सहमति और समायोजन के हिसाब से विवाद का निपटारा किया जाता था। किसमें? संविधान सभा में। साथियों, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और जवाब दीजिएगा आज के सेशन का 5वां प्रश्न। संविधान की प्रारूप यानी मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? भीमराव अंबेडकर, वी एन राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? प्रश्न पढ़िएगा। संविधान की प्रारूपी समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? क्या है? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बहुत सही। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ लोगों को कहना था कि सर यह प्रश्न आप घुमा घुमा करके एक ही दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। मैंने ऐसा संकलन कर रखा है कि किसी भी भाषा में घुमाकर अगर आपसे पूछता है तब भी आप उस प्रश्न का जवाब सही तरीके से दे दीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूपी या मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? बहुत से ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूपी समिति में कुल सात सदस्य थे भीमराव अंबेडकर सहित। तो क्या पूछ रहा है कि कौन नहीं थे? तो मोहम्मद सादुल्ला थे, के एम मुंशी थे, गोपाला स्वामी अयंकर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाद में टीटी कृष्णाचारी बने, डीपी खेतान के मृत्यु हुई थी। तो सारी चीजें आप है, सारी चीजें एक एक प्रश्न जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको बहुत ही गंभीरता से इसके बारे में डिटेल से बताते चलेंगे। देखिए जल्दी जल्दी चले, ज्यादा प्रश्न कवर होगा क्योंकि सारे प्रश्न जितने बन सकते हैं सब आपके बीच में प्रोवाइड कराया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ये भी क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया। कौन प्रारूपी समिति का सदस्य नहीं था? अल्लादी किशन स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, सरदार पटेल, के एम मुंशी। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है कि संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूपी समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो आप कहेंगे सरदार पटेल जी नहीं थे। कौन नहीं थे? सरदार पटेल नहीं थे। और प्रारूपी समिति का अध्यक्ष भी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मसविदा समिति थी, उसकी अध्यक्ष का नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर यानी बीआर अंबेडकर। क्या? भीमराव अंबेडकर। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी और सरदार पटेल उसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आपको देना होगा। संविधान सभा के प्रारूपी समिति में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, कह दो ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं साथियों। यह प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं, अक्सर परेशान करते हैं, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि चैप्टर वाइज प्रश्नों को डालेंगे और इतने क्वेश्चन आपको करा देंगे कि आपको भविष्य में कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो संविधान सभा में प्रारूपी समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूपी या समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत सही, बात वही आ गई ना। एक एक करके हर टॉपिक पर प्रश्न आएंगे और आपको सॉल्व कराएंगे, चाहे प्रस्तावना का प्रश्न हो, चाहे राज्य संघ क्षेत्र का प्रश्न हो, चाहे नागरिकता का प्रश्न हो, मूल अधिकार का प्रश्न हो,
भारतीय व्यवस्थापिका का हो, कार्यपालिका का हो, न्यायपालिका का हो, राजभाषा का हो, अनुसूची का हो, एकदम लगातार सिक्वेंस से आपकी चीजें लगी हुई हैं। तो क्या पूछा है, प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, बहुत सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947, जो प्रारूपी समिति थी उसकी नियुक्ति कब की गई? जल्दी से कमेंट्स करिएगा सभी लोग। बहुत सही, अच्छा कमेंट्स आ रहे हैं साथियों, जल्दी से। बहुत सही, कुछ लोगों के गलत भी आ रहे हैं, कुछ लोगों के सही भी आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब देंगे ऑप्शन सी, राइट आंसर यानी ऑप्शन तीसरा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूपी समिति का गठन किया गया था या प्रारूपी समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? बहुत समितियां थी, प्रारूपी समिति थी, संघ शक्ति समिति थी, प्रांतीय समिति थी, मूल अधिकार समिति थी, झंडा समिति थी। तो इस तरह तरह की कुल कितनी समितियां थी संविधान को बनाने में, जल्दी से बताइए। बहुत सही, जबरदस्त, कुल 13 समितियां थी भैया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। इस तरह की कुल 13 समितियां थी। यह भी क्वेश्चन पूछा है पीसीएस में कि संविधान के निर्माण में कुल कितनी समितियों ने सहयोग किया। तो संविधान के निर्माण में दोस्तों कुल 13 समितियों ने सहयोग किया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपालास्वामी एंकर, एच एच बेग या टी के कृष्णमाचारी? तो भैया ये तीनों लोग किसके सदस्य थे? ये तो प्रारूपी समिति के थे, तो प्रारूपी समिति का मतलब ये संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन एच एच बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एच एच बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एक बार और वीडियो को शेयर करिएगा, मजा आने वाला है आज की क्लास में। क्यों? क्योंकि यह चैप्टर वाइज पॉलिटिकल क्यूज शानदार पीडीएफ भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बता दे रहा हूं कैसे मिलना है, ये मैंने आपको बता दिया। आप क्लिक करते हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक को तो आप देख पाते होंगे। साइंस जैसा लोगों का कहना था कि साइंस का सर पीडीएफ खुलता है, साइंस का, इसको थोड़ा स्क्रॉल करोगे आप लोग, दाहिने साइड जाओगे वहां से स्क्रॉल करोगे तो वहां स्टैटिस्टिक्स जीके या पॉलिटी का पोर्शन मिलेगा, उसी के अंतर्गत सारा पीडीएफ है। एआईएसटी क्लास सबसे नीचे होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। तो क्वेश्चन आज की सीरीज में थोड़ा सस्ते टाइप के हैं, कल की सीरीज में थोड़ा दमदार क्वेश्चन है। बहुत सही, नए साल पर एकदम नई शुरुआत जोश उमंग के साथ करिए साथियों, और हमारा आशीर्वाद आप सब पर बना है, प्यार दुलार आप लोग बनाए रखिए और चीजों को एकदम दृढ़ संकल्पित होकर के आप लोग तैयारी करते रहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था कब? 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। सचिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, सबसे पहले इन्हीं को चुना गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को इनको अध्यक्ष चुन लिया गया था, और पहली बैठक संविधान सभा की इन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोल दो कितनी बार, पता नहीं कितनी बार यह क्वेश्चन आया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, वी एन राव या टी टी कृष्णमाचारी? तो वी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन? वी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब आपको मिलना चाहिए। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था?
देखिए अभी जो प्रश्न मैंने बताया वही है लेकिन बदल कर पूछ लिया, इसीलिए मैं बता रहा हूं लोगों का मानना है कि सर आप ये एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, यह आपको समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर की मूड को आपको समझना है, कंपटीशन को क्रैक करना है। तो जिस भाषा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी भाषा में मैं आपके सामने लेने का प्रयास करता हूं। तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलो, भीमराव अंबेडकर, बीआर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? तो ये भी सही जवाब है क्या? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, माफ कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। कब? 9 दिसंबर 1946 को बाबा। ठीक है, तो चलिए मेरे नौजवान साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मजा आएगा। आज तो एकदम पोस्टमार्टम करके रख देंगे टॉपिकों का साथियों, एक एक टॉपिक से जितने जितने क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे कहा जाता है ना कि बाल में खाल निकालना, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने खोज कर लाया है। तो चलिए 17 नंबर प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे जल्दी से बताइए? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, बताइए जल्दी से। बहुत सही, इस प्रश्न का सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा जी को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड 18 नंबर का जवाब दीजिएगा। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को या 26 नवंबर 1946 को? तो आप सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दो दिन के बाद फिर जब 11 दिसंबर को बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और बाद में उनको देश का राष्ट्रपति बनाया गया। क्वेश्चन 19 का जवाब दीजिए। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए बात आ गई ना, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अंबेडकर, सी गोपालाचारी, बताइए। बहुत सही सेशन है साथियों, जबरदस्त, शेयर करते रहिए, जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ाएंगे, मैं आपसे एक और वादा करता हूँ, अगर आप संख्या बढ़ाते बढ़ाते 1000 तक ले गए ना तो आपके लिए बहुत जबरदस्त सेशन, 1 घंटे के अंदर प्रश्नों की संख्या बढ़ा करके 70 से 80 कर दूंगा, बट आपकी संख्या जबरदस्त होनी चाहिए। चलिए, क्या है? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि संविधान सभा की शुरुआत ही 9 दिसंबर 1946 से हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे अस्थाई। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? जल्दी से बताइए, मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? क्वेश्चन देखते रहिए, जवाब देते रहिए। बहुत सही जवाब आ रहे हैं, मिला जुला जवाब ना दो भैया, एकदम सही सही जवाब दो। बहुत सही, कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। बहुत सही, संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? लो भैया, 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949? प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, बताइए। ये तो सबको पता है यार, एकदम लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा, हर चैप्टर आपके बीच में प्रोवाइड कराया जाएगा पॉलिटी का। 9 दिसंबर 1946, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1945 में, 46 में, 47 में कि 48 में? अगर दिसंबर में, ये तो आपको पता होगा, अगर दिसंबर में संविधान सभा का गठन हुआ और 1946 में, तो चुनाव तो दिसंबर में हुए होंगे क्योंकि उसके पहले पूरे के पूरे 12 महीने थे। तो आपको ये थोड़ा सा अपने दिमाग से भी जवाब दे देना चाहिए कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वह 1946 में हुआ था।
कब हुआ था दोस्तों? 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब, भारतीय संविधान को किसने बनाया? लो भैया, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने? तो संविधान को किसने बनाया? संविधान को तो भारतीय संविधान सभा ने ही बनाया था। संविधान को किसने बनाया? तो संविधान को तो संविधान सभा ने ही बनाया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी या गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था? जो संविधान की निर्मात्री सभा में शामिल लोग थे उनका चुनाव कैसे हुआ था? तो आपको पता है उनका चुनाव प्रत्येक 10 लाख लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी क्या हमारे संविधान की निर्मात्री सभा यानी संविधान सभा? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक 10 लाख लोगों के माध्यम से 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति यानी 1 मिलियन पर एक व्यक्ति का चुनाव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिएगा, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे किसके? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। जो संविधान सभा के सदस्य थे वह क्या थे? तो आप कहेंगे सर वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, क्योंकि चुनाव तो नहीं कराया गया लेकिन चयन जरूर किया गया। 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति संविधान सभा का नेतृत्व किया है। कितना? 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति जो जनता द्वारा सीधे अप्रत्यक्ष निर्वाचित था। प्रत्यक्ष तो नहीं था, डायरेक्ट तो नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर था। तो साथियों हम लोग आधे पड़ाव पर आ गए हैं, तो आपका यह कर्तव्य बनेगा शानदार तरीके से संख्या को शेयर करिए और तुरंत 700, 800, 1000 के प्रयास कर दीजिए, क्योंकि सेशन बड़ा शानदार होने वाला है। तो जवाब आपको देना होगा क्वेश्चन नंबर 26 का, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार से हुआ? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? समान मताधिकार पर, सर्व मताधिकार पर, सीमित मताधिकार पर या वर्गीय मताधिकार पर? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, बहुत सही। तो भैया आपने देखा था ना कि संविधान सभा में वर्ग वर्ग की बात थी, मुस्लिम के लिए इतना और प्रांतीय विधानसभा से इतना, तो तरह तरह के सीटों का आवंटन किया गया था, यानी वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के लोगों का चुनाव किया गया। बहुत सही सटीक जवाब। अब शेयर करते हुए जवाब देंगे 27 नंबर क्वेश्चन का, यह बहुत शानदार क्वेश्चन है, आईएएस 1994 में आया हुआ है। उसके बाद वनडे में पता नहीं कितनी बार पूछा कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उपस्थित प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था या उपर्युक्त सभी कारण थे? तो बताइए यह क्या कारण था जिस कारण से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया था? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, इसीलिए उसने विरोध किया, क्योंकि वो मांग तो पाकिस्तान की लगातार उठा रहे थे, एक अलग से मुस्लिम देश की मांग उठा रहे थे। तो चलिए जवाब दीजिएगा आज के सेशन का 28 नंबर प्रश्न, बीआर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक कई बार एग्जाम में पूछा है, पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्काल मध्य भारत से या पंजाब से? जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनका
कहां से चयन किया गया था, किसमें? संविधान सभा में। राइट आंसर बहुत सही ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। सभी लोग, कुछ लोग गलत जवाब दे रहे हैं, तो भाई देख लो कि भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन या चयन कहां से किया गया था संविधान सभा में, तो पश्चिम बंगाल से किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दे दीजिए कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर? संविधान सभा में किस देशी रियासत, जो रियासतें थी छोटी छोटी, उसमें कौन से देशी रियासत के एक भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में? चलिए देख लेता हूं क्या जवाब आ रहा है। बहुत सही, कहां के? हैदराबाद के निजामों ने भाग नहीं लिया था, या हैदराबाद रियासत के कोई भी व्यक्ति ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब आप एक बार दे दीजिए कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? भैया तो जिस प्रांत की जनसंख्या सबसे ज्यादा रही होगी उसका प्रतिनिधित्व भी सबसे ज्यादा रहा होगा। कौन सा? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत? हाँ, संयुक्त प्रांत यानी आधुनिक यूपी, यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां के लोगों ने ज्यादा तरीके से भाग लिया या ज्यादा लोगों ने भाग लिया। चलिए बहुत सही जवाब देते रहिए, और एक बार वीडियो को पुनः जबरदस्त तरीके से अपने दोस्तों तक फैला दो दोस्तों, क्योंकि टॉपिक बड़ा शानदार है और चैप्टर वाइज से प्रत्येक दिन 8 बजे होना है, और आज उसका दूसरा चैप्टर चल रहा है, दूसरे चैप्टर का पहला पार्ट चल रहा है और सेकंड पार्ट आपको मिलेगा कल। तो नए साल पर एकदम नए आगाज की तरह आपके बीच में मैं प्रस्तुत हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, उपयुक्त दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत सही, क्या पूछ रहा है? लोगों की बात नहीं कर रहा है कि पूछ रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो आपको पता है किसने निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभाओं ने, साथियों प्रांतों की विधानसभाओं ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन 32 का जवाब दे दिया कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कुल मिलाकर इसको हटाओ, आप यह देखो कि कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में आया। तो बताइए जल्दी से, शेयर करके वीडियो को जल्दी से जवाब दीजिए, एकदम ताबड़तोड़ जवाब देना शुरू करिए। कमेंट्स इतना तेज किया करो ना कि मैं पढ़ ना सकूं यार। तो कितने पर? 10 लाख व्यक्ति पर एक लोग। कितने पर? 10 लाख व्यक्ति पर एक लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249 या 289? क्वेश्चन नंबर 33, क्या पूछ रहा है? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठित का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, जब अलग से निर्वाचन, दो देशों के बीच विभाजन बना दिया गया, दो भागों में तोड़ दिया गया, तो कुल कितने, कहां से, प्रांतों से? पहले तो 289 थे, लेकिन बाद में कितने हो गए? 229। कितने? 229। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व का बात थी कि भैया देशी रियासत में कितने लोग आएंगे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 50, 65? तो बताइए देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? अभी आप देखा प्रांतों से 229 ने भाग लिया, तो देशी रियासतों से कितने भाग लिया? बहुत सही, बहुत सही, कितने? 70। देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 70। और प्रांतों से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो प्रांतों से भाग लिया 229। चलिए नेक्स्ट, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रही? कुल
पहले तो 396 होने वाले थे, लेकिन कुल कितनी रही, कब, 1947 के बाद जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया, तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचे 396 के स्थान पर, नहीं 389, माफ कीजिएगा, 389 के स्थान पर, कितने 299, कितने 299, क्योंकि क्या था कि बात कितने की थी 389 की, 389 सदस्यों की बात थी, लेकिन जब 1947 में भारत और पाकिस्तान एक कुल सदस्यों की बात थी, किसके अनुसार, कैबिनेट मिशन के अनुसार, कैबिनेट मिशन के अनुसार, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो कितने बचे 299। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दीजिएगा, क्या है प्रश्न, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, आपको पता है प्रांतों से कितने 292, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, 195, 208, 225 या 235। तो भैया जो चुनाव कराया गया था 1946 में, तो ये बात थी कि प्रांतों से कुल कितने लोग आएंगे, तो ये बात थी कि प्रांतों से 292 लोगों का निर्वाचन होना है, 292 लोग आने वाले हैं, तो उन 292 में से कुल कांग्रेस के कितने थे, तो कहेंगे 208 थे। बस सही, ऑप्शन दो सही है, क्या थे 208 सदस्य थे। साथियों यह टॉपिक संविधान सभा से संबंधित है, संविधान सभा में जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन 100 प्रश्नों का संकलन किया गया है, आज के सेशन में 50 और आने वाले दूसरे सेशन में भी 50। मेरी बात समझ में आ रही है, आज के सेशन में भी 50 और आने वाले दूसरे सेशन में भी 50 प्रश्न हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था, चलिए बताइए, जो कुल मूल संविधान सभा की घटना होने वाली थी किसके हिसाब से, कैबिनेट मिशन के हिसाब से, जो कैबिनेट मिशन के हिसाब से सदस्यों का चुनाव होना था, उसमें अलग अलग कितने कितने थे, तो आपको पता होगा पहले थे कितने 389 सदस्यों की बात थी, 389, इसमें से ब्रिटिश प्रांत जो प्रांत थे वहां से 292, देसी रियासत से 93 और कमिश्नरी जो मुख्य चार कमिश्नरियां थी वहां से कितने 4, तो आप बताएंगे इसका सही जवाब है क्या, बहुत सही, उपरोक्त सभी बहुत सही। भैया प्रांतों से 292 की बात थी, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान अलग हो गया तो कितने बचे 229, ठीक, इन 292 में से 208 सीटों पर कौन जीता था, आपका कांग्रेस, देसी रियासतों के 93, लेकिन देसी रियासतों से बाद में कितने बचे 70, कितने बचे 70 अभी आप किए हो, और कौन से देसी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद, और चीफ कमिश्नर से 4 थे, इसलिए इसका सही जवाब है, ये मूल संविधान सभा की बात कर रहा है जो कैबिनेट मिशन के हिसाब से बननी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, 389, 409, 429 या 505। तो आपको पता है जो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था, कैबिनेट मिशन, इसमें यह बात की गई थी कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी और उसमें कुल कितने सदस्य होंगे, 389, 389 सदस्य ऐसे हो जाएंगे अपने मन से, नहीं, 10 लाख पर, प्रति 10 लाख पर एक सदस्य, क्या 10 लाख, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, क्या 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, ठीक है, इस हिसाब से अगर बात करें तो भारत की जनगणना जनसंख्या लगभग कितनी थी, 38 से लेकर 39 करोड़ के आसपास थी, कितनी थी 39 करोड़ के आसपास थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39,
आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि संविधान सभा से संबंधित कितने संपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूं। चलो इसका जवाब देना है आपको कि क्या सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी, कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1936 का अधिवेशन कहां पर हुआ था जिसमें संविधान सभा के गठन पर बात हुई थी, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक चीज बता दूं, इसका सही जवाब है फैजपुर। फैजपुर है बंगाल और किसी गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन था, किसी गांव में होने वाला अधिवेशन, गांव में होने वाला अधिवेशन। फैजपुर एक गांव का नाम है, किसी गांव में होने वाला अधिवेशन था, कौन था? फैजपुर। ठीक, चलो आज के सेशन का 40 नंबर प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, माउंटबेटन योजना द्वारा या कैबिनेट मिशन द्वारा, बताइए। ये माउंटबेटन योजना से तो भैया विभाजन हुआ था और साथ में क्या, स्वतंत्रता। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव आया था लेकिन काम नहीं किया, तो कैबिनेट मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन में इसमें 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे, ब्रिटेन संसद के एबी अलेक्जेंडर, स्टोफेस क्रिप्स और सर जॉन लॉरेंस, ये 3 लोग शामिल थे। इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, उसका नाम था कैबिनेट मिशन योजना। तो एक बार सभी लोग वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, अपने सगे संबंधियों तक, क्योंकि आगाज हो चुका है इस नए साल में जबरदस्त सेशन का, चैप्टर वाइज इंडियन पॉलिटी को कवर करने के लिए, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को कवर करने के लिए चैप्टर आपको दिखेगा। चलो क्वेश्चन 41 का जवाब दे दो, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? चलो देखिए, प्रश्न पलट गया, वही प्रश्न है लेकिन प्रश्न पलट गया, यही तो मैं बता रहा हूं, इसीलिए तो प्रश्नों की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि प्रश्न घुमा घुमा कर जहां तक पूछता है वहां भी हम घुमा देंगे ताकि आपको कभी बाद में घूमने की आवश्यकता ना पड़े। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार गठन किया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार गठन किया गया या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव से संविधान सभा का गठन किया गया? तो संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे, वीडियो को एक बार शेयर भी कर देंगे। आपकी संख्या बढ़ नहीं रही भैया, जबरदस्त संख्या में वृद्धि करो क्योंकि समय कम है, चीज़ें बहुत सीखनी है। आपकी संख्या मेरे दोस्तों मेरे मित्रों जितनी ज़्यादा रहती है मेरा भी मनोबल करता है यार कि चलो बच्चों को और अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छे अच्छे प्रश्न डाले जाएं, लेकिन जब आपकी संख्या कम रहती है ना तो मनोबल थोड़ा डाउन हो जाता है। तो कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, कौन से? कैबिनेट मिशन 1946। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने प्रस्तुत कर दी थी? भैया महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या बाल गंगाधर तिलक? 1895 में, सोचो कब, कितना पहले संविधान सभा के बारे में बात की थी? तो किसने बात की थी? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, आज के सेशन का 43 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न पढ़िएगा, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? कौन सा युद्ध हो रहा था वहां पर? प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय। क्या वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह बात स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? देखिए, माउंटबेटन योजना तो थी नहीं, कैबिनेट मिशन थी नहीं, वेलेल योजना और क्रिप्स योजना, इन दोनों में से आपको बताना होगा, क्योंकि ये दोनों योजनाएं 1946-47 में आई हैं। ठीक, बताओ।
बताइए। तो भैया वह योजना तो क्रिप्स थी ना, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, लेकिन वो फेल हो गया था। क्या हो गया था? फेल हो गया था। उसमें कुछ कंडीशंस थे, इसलिए हमारे यहां के राजनेताओं ने, लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया। चलिए शेयर कर दीजिए और तेजी से शेयर करिए, संख्या कम नहीं होनी चाहिए, दम बांधे रखो। बाकी हम आपके साथ खड़े हैं, बात करेंगे आज के सेशन का 44 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ऐसा वह कौन सा व्यक्ति था जिसने कहा था यार संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो? महात्मा गांधी ने किया था क्या, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल? बताइए। बहुत सही साथियों, बहुत शानदार सेशन चल रहा है, आप लोग में भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए, संख्या में इंक्रीज करते रहिए, संख्या को बढ़ाते रहिए। और वर्ष 1938 में किस अति व्यक्ति ने, तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भैया। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो चलो एक बार और बात कर लेंगे आज के सेशन का 45 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था 1928 में, 31 में, 36 में या 42 में? बताइए। 45 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण को प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की थी? तो 1936 में फैजपुर। कहा? 1936 फैजपुर बंगाल। चलो क्वेश्चन नंबर 46। लेकिन साथियों अब एक वक्त है जबरदस्त, अब आखिरी में दम दिखा दो। एक बार मैं आधे मिनट के लिए रुक रहा हूं, अगर सभी लोग शेयर करके संख्या में इंक्रीज करेंगे, संख्या को बढ़ाएंगे तो बहुत मजा आएगा। और कल के सेशन में आना ना भूलें, कल ठीक 8 बजे संविधान सभा से संबंधित पार्ट 2 की बात की जाएगी, उसमें कुछ स्रोत के भी प्रश्न डाले गए हैं और जो भी समिति हुए थे सारी चीजें वहां पर डाली गई हैं। तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, M.N. राय या जवाहरलाल नेहरू? संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया, बताइए। इसके बाद अभी 4 प्रश्न आपके बीच में बाकी हैं। तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए भैया अब हम लोग बात करेंगे आज के सेशन का 47 नंबर प्रश्न। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था संविधान सभा के विचार का? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, M.N. राय या महात्मा गांधी? तो संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. राय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? M.N. राय द्वारा किया गया था। चल क्वेश्चन 48 का जवाब दीजिए। वर्ष 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो वर्ष 1924 में ऐसी मांग किसने की थी? M.N. राय, महात्मा गांधी, मोती नेहरू या बालकृष्ण गोखले? तो आपको पता होगा कि वर्ष 1934 में यह बात किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी वर्ष 1924 में यह बात? मोतीलाल नेहरू ने की थी। लेकिन इसके ठीक 2 वर्ष पीछे यानी 1922 में ऐसी बातें महात्मा गांधी जी ने की थी। वही प्रश्न है, इसके बाद आप देख पाएंगे। वर्ष 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए या होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो ये बात तो मैंने अभी बता दी यार, तो अगर अभी बता दिया तो काहे को गलत करना, अब तो गलत नहीं करोगे ना। क्या 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ऐसा किसने कहा था? भैया बाबूजी ने कहा था, बापू जी ने, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, चलो आज के सेशन का आखिरी प्रश्न।
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? यह प्रश्न बड़ा अच्छा है, कब भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया था? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1946। तो आप कहेंगे सर 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। मेरे प्रिय साथियों, आज का ये सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहा। तो आप सभी को तुरंत मैं एक नोटिफिकेशन बता देना चाहता हूँ कि कल ठीक शाम को 8 बजे हम आपके बीच में संविधान सभा से संबंधित पार्ट 2 का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। संविधान सभा पार्ट 2 देखने के लिए ज़रूर सभी लोग लाइव जुड़िएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चों का एक प्रॉब्लम थी कि सर PDF कहाँ से मिलेगा, मैं अभी एक मिनट रुकिए बता देता हूँ आपको। जैसे आप PDF पर लिंक कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तो एक पेज खुलता है, उसमें आप सबसे पहले स्टडी साइंस पाते हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा स्क्रोल करिए, जहाँ साइंस का टिक होता है उसको स्क्रोल करेंगे तो वहाँ एक स्टैटिस्टिक्स GK या पॉलिटी का सेक्शन होगा। और जो स्टैटिस्टिक्स GK में अभी तक नहीं ले पाए हैं PDF, वहाँ पर जाकर के आपके मेरे इन्वायरमेंट का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का सारे PDF वहाँ आपको ये बाइक करके मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, जो क्लासेस लास्ट में हुई है मतलब अभी तत्काल में, उसको आप ऊपर खींचेंगे तो नीचे वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ टेस्ट का भी लिंक लगा हुआ है साथियों। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। फिर मिलते हैं कल ठीक 8 बजे।